भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर सीताशरण शर्मा पर पार्टी ने छठी बार अपना विश्वास जताया है। वर्तमान में विधायक, पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे डॉक्टर सीताशरण शर्मा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मिले और गर्मजोशी से कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। यह भी बता दें कि चुनाव पूरे मध्य प्रदेश के विधानसभा में सबसे चर्चित चुनाव रहेगा, क्योंकि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों सगे भाई हैं। बता दें आपको कि कुछ ही दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी से दो बार विधायक रहे पंडित गिरिजाशंकर शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र देकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और पार्टी आलाकमान ने उन्हें नर्मदापुरम इटारसी विधानसभा से टिकट देकर अपना विश्वास जताया। मीडिया से रूबरू होते हुए डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने बताया कि दो पार्टियों का आपसी मतभेद हमारा निजी कोई मतभेद नहीं है, यह हमारे लिए किसी चुनौती से कम नहीं, पर यह चुनाव पूरी ताकत से मर्यादा में रहकर लड़ेंगे, यह किसी धर्म युद्ध से कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आपको तीसरी बार प्रत्याशी बनाया, इसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। लेकिन इस बार चुनाव आपका काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता कांग्रेस ने जो अपना प्रत्याशी चुना है वो आपके ही अपने बड़े भाई को सामने उतार रहे हैं, तो आप इस चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, बेशक पहले तो पार्टी का आभार मानता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा साहब का, राष्ट्रीय नेता का, प्रादेशिक नेता का। तीसरी बार उन्होंने मुझे होशंगाबाद नर्मदापुरम से मौका दिया और तीन बार इटारसी से भी मौका दिया। इस बार ये एक नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि कांग्रेस से मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, पर हमारी लड़ाई कभी भी निजी स्तर की किसी से भी नहीं है। हमने हमेशा विचारों के साथ ही काम किया है और विचार से हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इसलिए भावनात्मक रूप से भले ही संकट हो, किंतु वैचारिक रूप से और मैदान में कोई संकट नहीं है। इसको मैं धर्म युद्ध की तरह मानता हूँ और गीता के उपदेश को याद करता हूँ, न दैन्यम न पलायनम अस्मात उत्तिष्ठ कौनते कृत्याय दुनिया। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास में राष्ट्रवाद का है। कांग्रेस हमेशा देश तोड़ने वाली शक्तियों के साथ रहेगी। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस जीतती है तो राहुल गांधी मजबूत होते हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मजबूत होते हैं। अब जनता स्वयं फैसला कर कि दोनों नेताओं में से किसको चुनना है। एक और राहुल गांधी है जो चाइना जब डोकलाम में घुसता है तो चीन के दूतावास में चोरी छुपे जाते हैं, वो भारत की सेना से जवाब मांगते हैं कि तुम बताओ तुम सही में गए थे कि नहीं गए थे सर्जिकल स्ट्राइक कर। एक तरफ नरेंद्र मोदी है जो होली और दीपावली वहां माइनस डिग्री पर हिमालय में सैनिकों के साथ, ये फर्क जनता समझेगी और इसलिए कोई इस मामले में कोई मैच नहीं। नर्मदापुरम से हिना अली की रिपोर्ट।